नमस्कार और स्वागत है आपके मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्टैंड ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी स्टैंड का, जिन भी कैंडिडेट का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट जो आपको जानना ज़रूरी है बिफोर टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज की कि आपका टाइपिंग लैंग्वेज क्या होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो या हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपके सिस्टम पे ऑनलाइन जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे ही सिस्टम पे आपके फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे दिखेगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आपके सिस्टम में डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है ऑलरेडी पहले से और आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो, तो वहाँ पे जो भी NTA के तरफ से जो भी वहाँ पे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में आपके कंसर्न, उनको आप एक बार बोल करके अपना लैंग्वेज चेंज करवा सकते हो। एक बार लैंग्वेज सिलेक्ट हो जाने के बाद से आप उस लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग की। तो टाइम आपको 10 मिनट का मिलने वाला है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट, और अगर हिंदी में देना चाहते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपको करना है टाइपिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉन्ट क्या रहेगा। तो वो आपका मंगलम फॉन्ट में होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। आप बहुत सारे ऐप आते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप उस ऐप को इंस्टॉल करके भी टाइपिंग टेस्ट घर पे भी कर सकते हो। फिलहाल एक चीज़ का ध्यान है, पॉइंट नंबर 6 पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पैराग्राफ जो है आपको हिंदी में या इंग्लिश में आपको दिखेगा, वहाँ पे वो आपको हाफ पोर्शन ही दिखेगा। ठीक है ना, तो अगर आपको जब इस पैराग्राफ को ऊपर ले जाना हो तो आप माउस के हेल्प से यहाँ पे क्लिक करके आप पैराग्राफ को ऊपर कर सकते हो। टाइपिंग आपका जो है नीचे एक ब्लैंक होगा जिसमें आपकी टाइपिंग होती रहेगी, और पैराग्राफ को अगर आप ऊपर करना चाहते हो क्योंकि फर्स्ट में आपको हाफ में ही दिखेगा पैराग्राफ, तो माउस यहाँ पे क्लिक करके आप उसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि करेक्शन अगर आप कर सकते हो या नहीं। सपोज करो कि आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया है और आपके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है और कोई वर्ड आपको बीच में दिख जाता है कि हाँ मैंने ये मिस टाइप किया हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो जाकर के, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो। बैक स्पेस को लेकर के भी बहुत सारा डाउट रहता है कि क्या उसकी टाइमिंग भी काउंट होगी। तो पॉइंट नंबर 8 में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बैक स्पेस की भी टाइमिंग वो लोग काउंट करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप वहाँ पे बैठिएगा अपना टाइपिंग टेस्ट देने के लिए, तो एक प्रैक्टिकल टाइपिंग टेस्ट आपको वहाँ पे दिया जाएगा मॉक की तरह, जैसे कि मॉक टेस्ट होता है ना वैसे ही आपको मिलेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ पे देना है सबसे पहले। इससे पता क्या चलेगा कि आपके जो की है ना, आपके कीबोर्ड के जो सारे की हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा उस प्रैक्टिस सेट से जो आपको एग्ज़ाम से पहले वो लोग देंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि विद इन टेस्ट जब आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा और उस टाइम आप बोलिएगा कि ये की काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो प्रैक्टिस टेस्ट में ही उसको क्लियर कर लीजिएगा कि आपका कीबोर्ड अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से एरर कंसिडर किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रहे कि पुट सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में सिंगल स्पेस आप दीजिएगा वहाँ पे। अब हम एरर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी वर्ड छूट जाता है अगर आपसे पैसेज का, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वो आपके फुल एरर में आएगा वो। ठीक है ना, वो फुल एरर में आएगा, फुल मिस्टेक में आएगा। वैसे ही पैराग्राफ और पंक्चुएशन में अगर कोई मिस्टेक होता है तो वो भी आपका फुल एरर में आने वाला है। टाइपिंग ऑफ लेटर या वर्ड्स, कोई भी ऐसे वर्ड्स अगर आपने टाइप कर दिया है कि जो पैसेज में है ही नहीं, जो पैराग्राफ में है ही नहीं, तो वो भी आपका फुल मिस्टेक माना जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वो लोग आपकी स्पीड को काउंट करेंगे और नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपने टाइप करा है उसको काउंट करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप टू बी काउंटेड टोटल स्ट्रोक्स विथ स्पेस यानी कि टोटल जो स्ट्रोक होगा डिवाइडेड बाई 5, इससे वो लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप। और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड टू बी काउंटेड नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स डिवाइडेड बाई 10, इससे आपका स्पीड उनको पता चलेगा। ठीक है, तो आई होप एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक सी चीज़ें थी सारी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा किसी भी अपडेट के लिए। धन्यवाद।